मरिशी आप अब पूरा आर्मी का ही बैच है इसमें आर्मी जो जवान हैं ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर कर्नल और जो जवान हैं उनकी फैमिलीज हैं और उन्हीं के एक प्रश्न भी है इन्हीं के बीच में से एक किसी का विकास तिवारी जी शुभम शर्मा जी दोनों का लगभग एक जैसा ही प्रश्न है गुरुदेव आपके चरणों में कोटी कोटि प्रणाम गुरुदेव भगवान मैं एक फौजी हूँ जिसकी वजह से मेरी खान पान नित्य रोज के कर्म एक साधक जैसे नहीं हो पाते और इस कारण से मन बहुत विचलित हो जाता है और कभी कभी मन में ये आता है कि आ, अब नौकरी क्या छोड़ देनी चाहिए या महाराज जी अगर आपने कभी आर्मी के जनों से हमारा संभाषण जो हुआ अगर सुना होता ध्यान से तो शायद ये प्रश्न न रहता हमने सदैव उनको कहा है कि जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में आपका लक्ष्य केवल राष्ट्र सेवा है ना कि आहार आहार में क्या था मुझे नहीं देखना मान लो आप युद्ध में हो अब उस समय आपका लक्ष्य शत्रु पक्ष पर वार करके अपने को बचाना अपने राष्ट्र को बचाना अब प्राण पोषण के लिए उस समय जो कुछ आता है उस पर निर्णय नहीं करते क्या आता है जो सरकार दे रही उसे उधर में डाला और गोली चला करके अपने राष्ट्र की रक्षा की अपने को बचाया हम इस समय कोई घर गृहस्थी में बैठकर के साधना करने वाले साधारण व्यक्ति नहीं है हम राष्ट्र की रक्षा करने वाले राज सैनिक हैं तो वहां धर्म बदल जाता है ध्यान रखना स्थान और योग्यता और उपाधि अधिकार के अनुसार फिर धर्म का स्वरूप भी उपदेश अलग बदल जाता है अभी आप रिटायर हो आप घर में रहते हो आपको अलग उपदेश होगा लेकिन जब तैनात है आप तो आपका पक्ष नहीं रह गया कि आपको क्या भोजन में मिल रहा है आपको किस समय नहाने को मिल रहा है ये सब बातें नहीं देखी जाती ये बातें देखी जाती रिटायर होने के बाद ये बातें देखी जाती हैं जिस समय अन्य कार्यों में आपके लिए नहीं आप राज सैनिक हैं आपको जो मिले आंख मूंद कर उसे खाइए और राष्ट्र की सेवा में जो आप प्राण समर्पित करने के लिए तैयार हैं इससे बड़ी कोई साधना नहीं प्राण समर्पित करने वाला ही साधक कहा जाता है सम हमारी बात को समझना जो संत अपने प्राणों का मोह छोड़कर भगवान में समर्पित होकर हर कष्ट सहता हुआ आगे बढ़ा वही विजयी हुआ है वही सिद्ध हुआ है वही भगवत प्राप्त हुआ है खान पान की व्यवस्था बुद्धि को शुद्ध करने के लिए चाहिए हमें आपकी बुद्धि की शुद्धता की जरूरत नहीं है आपकी बुद्धि में क्रूरता की जरूरत है कि अगर हमारे सामने हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचाने वाला है तो हम क्रोधावेश में भर करके उसका सर्वनाश करेंगे अब इस बुद्धि के लिए मूंग की दाल और गेहूं की रोटी की बात नहीं आएगी इसके लिए सिर्फ तुम्हारे सामने राष्ट्र है और उसकी रक्षा है इसके आगे कुछ नहीं हाँ ये जरूर है कि हम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम हो नाम उच्चारण करेंगे और दौड़ करके दुश्मन का गला काटेंगे इसके लिए हमें जो भी आहार जो भी बल जैसे भी रखा जाएगा हम सैनिक हैं कोई स्वयं स्वतंत्र नौकरी पेशा वाले नहीं आप लोग अपने जीवन का बलिदान के आपकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि जीने के लिए व्यापार है जीने के लिए और भी तरीके आप हमारे राष्ट्र सेवा में गए हैं तो जीने के लिए नहीं गए राष्ट्र रक्षा के लिए गए अब राज्य सरकारी विधान में आपको कैसा भोजन मिलता है कहां खड़े किया जाता है इसका प्रश्न नहीं है आप राष्ट्र सेवा में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं जैसे एक संत अपने जीवन को तपस्या के द्वारा तपा करके मंगल की भावना करता है वैसे ही आप हर कष्ट सह करके हमारे राष्ट्र की पूरी रक्षा की जिम्मेवारी आपके कांधे पर है अब वहां प्रश्न नहीं बनता कि मेरा मन दुखी होता मुझे क्या भोजन मिलता है नहीं जैसा भोजन मिले जैसे वस्त्र मिले जैसी परिस्थिति मिले जब तक हमें सरकारी सेवाएं है तब तक हम प्राणों की बाजी लगाकर खड़े और यही हमारी साधना है उसके लिए आपको नीचे उतर कर बात नहीं करनी कि हमको नहाने को नहीं मिलता हमको प्रश्न है कह रहे जम्मू कश्मीर में वहां बर्फी बर्फे एक दो हफ्ते बिना स्नान के हो जाते हैं वह हम कह क्या रहे हैं पहले कह रहे हैं हमें स्नान करने को नहीं मिलता हमें सुबह बैठ करके जब करने को नहीं तुम्हारा जब गोली चलाना है हमारी बात को मान लेना हम किसी पक्ष से नहीं कह रहे हम तस्मात शास्त्र प्रमाणम कह रहे हैं शास्त्र प्रमाणित कर अर्जुन जी कह रहे हैं मैं संन्यास लूंगा भीख मांग के खाऊंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा और भगवान जी ने पूरी गीता इसी बात की सुनाई अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा भजन है अर्जुन उठ और गांडी में प्रत्यंचा चढ़ा मार इन सबको आखिर फिर भी नहीं समझ में आ रहा था तो विराट रूप रख के दिखाया कि तू निमित्त बन जा मैंने मार दिया इनको बस देखो दयालु हृदय सैनिक का नहीं चाहिए पहली बात समझ लो कहां दया करनी कहां नहीं करनी है। अगर आपका भोजन एकदम सात्विक हो जाए तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप गला काट लो एक बात हमारी ध्यान रखना सात्विक एकदम भोजन हो जाएगा जैसे संत महात्माओं का होता है थप्पड़ जमा दो तो लौट के थप्पड़ जमाने की हिम्मत नहीं है नहीं होगी इतनी दयालुता इतनी कृपालुता हृदय में आ जाती है कि वो अपना गला कटवा सकते हैं लेकिन दूसरे की क्षति नहीं कर सकते आप राष्ट्र सेवा में हो आपको इस दयालुता की जरूरत नहीं है आपको जो हमारी दयालुता से हमको गति मिलेगी तुम्हारी क्रूरता से मिलेगी शत्रु पक्ष पर टूट पड़ना आपने प्राणों की बाजी लगाकर और उसका नाश कर देना तो जब तिरंगा फहराएगा ना तो आप विजयी हुए चाहे आपका शरीर पूरा हुआ है या शरीर है लेकिन वो आपकी सदगति होगी क्योंकि राधा नाम चल रहा है कृष्ण नाम चल रहा है और राष्ट्र के लिए समर्पित पक्का इसमें पक्का विश्वास कर लेना इसमें कोई संशय मत रखना तुम्हारे किसी पक्ष की की बात बात नहीं कह रहे। ये की बात कह रहे रहे ये शास्त्र हैं बस इसके आगे, आगे आपको कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए इस बात के लिए हाँ आगे बोलिए अगर गुरु जी एक संशय था जैसे कि जब आज जब से आपको नहीं जाना उससे पहले हमारी व्यवहार उन फौज में कुछ और थी तो आपके आने के बाद हमने कुछ अपनी व्यवहार में मतलब ऑटोमेटिक बदलाव आने लगे तो लोग बोले तुम ये क्या कर रहे हो शांत रहते हो किसी से बात नहीं करते हो ये अपने आप में क्या घुमसुम रहते हो मतलब लोग काफी ज्यादा निंदा करते हैं जिससे काफी बेचैनी होता है गुरु देखो इसमें तुम्हारी गलती है क्या गलती है जो हमारे अंदर की प्रविड़ता उसको छुपाना सीखना चाहिए और व्यवहार में ऐसे रहना चाहिए कि तुम्हें कोई पहचान ना पावे कि तुम क्या हो जैसे समुद्र की था नहीं लगाई जा सकती ऐसे ही साधक का या जवान का हृदय होना चाहिए कैसी भी विक्षिप्त अवस्था हो वैसे भी छुट्टी नहीं मिली है या कई तरह की परेशान आपको मुस्कुरा के बात करनी कैसे हो बिल्कुल ठीक और उसको दबाना सीखो भजन की वृत्ति को अच्छा द... आप तो अभी सुन के चले हो ना हम तो बचपन से चले ना हम आपसे बात कर रहे हैं ना हम आपको वैसे... ऐसे अगर हम जैसा आप कह रहे हो अगर वो अब है स्वभाव में उसको दबाए हुए हैं अभी जहाँ ये खत्म हुआ फिर एकदम अपने स्वभाव में आ गए लेकिन जब फिर आपसे मिलना पड़ा तो हम फिर अपने स्वभाव को दबाया और आपके लायक स्वभाव बनाया एक मित्र की तरह आपसे संभाषण करेंगे ये जानने भी नहीं देंगे आप तो चार दिन से शुरू किए हो यहाँ पूरे जीवन का खेल है तो हमको तो एकदम ही हो जाना चाहिए ना तो एकदम ही तो है लेकिन उसको शासन में लेके जब हमारे सेवा कार्य जब तुमसे मित्र बात करें वैसे हंस के बात करो, गंदे आचरण करने की हम अनुमति नहीं देते गंदा आचरण तो कहीं भी नहीं करना चाहिए संयम से रहना चाहिए धर्म से रहना चाहिए पर हमको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप जवान होकर के राष्ट्रीय रक्षा के विभाग में होकर आप गुम रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं गुरु जी मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जैसे क्या था कि लोग इधर की बातें उल्टी सीधे बातें ज्यादातर करते उन बातों से हम बचना चाहते हैं तो वो लोग नहीं नहीं अब यहां भी आपको सैनिक के कारण कह रहा हूं यहां भी वो बातें कर रहे हैं ऐसे कह रहे हैं अपने भी मुस्कुरा अंदर से राधा राधा जप अपने कोई प्रभाव नहीं जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग बलवान बन इसमें भी निर्बलता परमार्थ की निर्बलता ही है अरे सबके बीच में मुस्कुरा के, के हंस करके वो हंसी मजाक कर रहे हैं हम राधा राधा अंदर से जप रहे आवाई ठीक उसको ये समझ में नहीं आना चाहिए कि आप बहुत गंभीर हैं आप कोई धर्म में चल रहे हैं आप कोई भजन कर रहे हैं नहीं। एकदम चतुरता सीखो समझ रहे हैं हमारी बात जैसे गुरु जी इस बीच में कोई गलत बातें गलत आचरण कर रहा उस बीच में हम ऐसे उस बीच में हम राधा राधा जप रहे हैं हंसी मजाक भी कर रहे हैं वो हम पे असर नहीं करेगा ना कुछ गुरु जी बस इसी चीज का भय होता है गुरु जी चतुर सुजान वही है जो सब जगह पूरी बाजार से निकल जाए लेकिन हर दुकान हर सामान थोड़ी मैं खरीदनी हमें जो खरीदनी वही खरीदनी ये थोड़ी कि हर दुकान में हम खड़े हो गए जाकर नहीं हमें कहा जाना है हमारा लक्ष्य क्या है गंदी बातें हो रही हंसी मजाक हो रही क्योंकि सब सब प्रकृति के जवान है और करेंगे नहीं तो डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे बात समझिए ना छुट्टी नहीं मिल रही विविध प्रकार के कष्टों को सह रहे तो हंसी मजाक कर रहे उनके विषय में नहीं सोचना अपने को क्या करना है उसी में सम्मिलित हो जाते हैं नहीं तो मन में भय बना रहता गुरु जी की कहीं हम भी ऐसे करते तो फिर कम, से नहीं बने नहीं कमजोर क्यों हो उस समय हम राधा राधा जपेंगे बहुत आनंद आएगा जो तुमसे हंसी मजाक कर रहे हो उस समय तुम अंदर से राधा 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 और हंसो वैसे ही जानने मत दो तो देखो आप बहुत अच्छे हो जाओगे गुरु जी आपने जैसे कुछ मैंने आपकी वाणी में देखो अलग अलग उपदेश है ये संतों को जब बोलेंगे ना तो ये नहीं बोलेंगे संतों को जो बोलेंगे तो अलग बोलेंगे गृहस्थों को बोलेंगे अलग ना आप संत हो ना आप हो आप राज सैनिक हो आपको समझना पड़ेगा ना नहीं जैसे आपने कहा था जैसी रहनी होती सहनी होती जैसे मतलब हम जैसी बातें सुनेंगे धीरे धीरे मन वैसा तो डर ये बना रहता है कि उनकी आज हम जो तुम्हें उपदेश दे रहे हैं इसको नहीं पकड़ पा रहे हो कर लिया गुरु जी बिल डर मत साथ हम तेरे जी हो डर मत अरे बहुत उत्साह की जरूरत है स्वांग करना है केवल स्वांग करना है बच्चा सच्ची मानना असलियत में हम भगवान के थे भगवान के हैं भगवान के ही रहेंगे स्वांग में हमसे गलती हो गई हमें जगन नाटकों में एक वीर सैनिक का स्वांग मिला है, ध्यान रखना हमारी उस स्वांग में कमी नहीं होनी चाहिए तो हमें इनाम मिलेगा भगवत प्राप्ति बिल्कुल बच्चा बिल्कुल हमारी अंदर की बात को समझ लो बिल्कुल हृदय से कह रहा हो कोई जान ना पावे कि तुम क्या हो जैसी बात जैसा उसमें वो आप रमे हुए दिखाई दे रहे हो लेकिन आपके अंदर राधा राधा चल रहा है और आप किसी भी गंदगी को अंदर स्वीकार नहीं होने दे रहे और गंदगी के बीच में बैठे हुए ये सर आप पी रहे हैं ये, ये मजाक कर रहे हंसी कर रहे हो आप भी बैठे हो हाँ आप बिल्कुल अपने पे बैठे हो ऐसे को जब वहां परास्त कोई नहीं कर पाएगा तो सृष्टि में परास्त नहीं कर भगवान ने बड़ी यहां परिस्थिति दी है और हंसो खेलो बात करो लेकिन जहां तुम्हारी भ्रष्ट होने की बात आवे वहां आपने को बचा लो सबके बीच में रहना सीखो और ऐसे रहना सीखो घुल मिल के जल में ही कमल पैदा होता है जल में ही रहता है अलग उठा के देखो बिल्कुल अलग मिलेगा ऐसे होता है परमार्थिक साधक अगर ऐसे तो मानो आप राज सैनिक ना होकर के अगर गृहस्थ होते तो पूरा परिवार आपका परेशान हो जाएगा स्वांग तुम्हें क्या मिला है गृहस्थ का तो उसी पद्धति से चला जाए इस समय स्वांग तुम्हें वीर सैनिक का मिला है बिल्कुल नहीं बाहर और अंदर के दोनों के दुश्मनों से परास्त नहीं होना बाहर के दुश्मनों से परास्त ना होने के लिए ट्रेनिंग है वो अंदर के दुश्मनों से परास्त ना हो ये राधा नाम है और ये सत्संग है न काम न क्रोध न लोभ न मोह न मद न मत्सर इन पर अंदर से विजय प्राप्त करो और बाहर से शत्रु पक्ष हो महावीर हो क्या परास्त होना है आप ये ना समझो कि आपको कोई परास्त कर देगा नहीं आपकी अगर परास्त होने की फिसलन है तो परास्त हो जाओगे नहीं नहीं परास्त हो गए आप पूरी बाजार में चले जाते हैं कुछ लिपट जाता है क्या है आपको लेकिन आपने जो लक्ष्य किया है कि आज मुझे इत्र लाना है तो आप इत्र की दुकान की खोज करके इत्र ले लेंगे पूरी बाजार में घूम आए ये ऐसे सबके बीच में रहो कैसे कोई हमें परास्त कर सकता है हमारे ऊपर कैसे रंग चढ़ सकता है जब हमारी चाहत नहीं तो रंग नहीं डरो मत डर के नहीं वीर डरता नहीं ना अध्यात्म में ना व्यवहार में डरना नहीं सिंगवत रहना है अभी इसमें कोई संशय हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। संशय नहीं है गुरु जी बस पहले हमारी वृत्ति बहुत ज्यादा गलत रही तो बस उसी कारण भय था इसीलिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल भयभीत हो बिल्कुल देखो क्या बच्चा अगर इस सोच में तुम ज्यादा चले जाओगे तो तुम फिर राष्ट्र सेवा नहीं कर पाओगे हमारी बात समझ ना हम हर आंतरिक भाव को देख करके कह रहे हैं बहुत दयालुता बहुत कृपालुता बहुत अंतर्मुक्ता ये सैनिक नहीं रहने देगी आपको और इस समय आपको ये सेवा मिली अगर इस सेवा में त्रुटि हुई तो फिर ये बात ठीक नहीं है पहले इस सेवा का भगवान ने दिया बच्चा ये राष्ट्र सेवा भगवान ने दी हम अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करते जब हम आप लोगों को देखते ना तो हमारा हृदय बाबा जी होकर के बिना हमारा हृदय आपको सल्यूट करता है आपको प्रणाम करता है से कोई आपका छोटा पद नहीं राष्ट्र सेवा पे पूरे संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का भार आपके कांधे पर रखा होगा उस पर ध्यान दीजिए उसी से भगवत प्राप्ति होगी राधा राधा नाम जप कीजिए और हर मित्र को प्रसन्न रखने की चेष्टा कीजिए ये भाव रखकर के अंदर भगवान है ये जानते नहीं हैं और ये हंसी मजाक कर गंदी बातें करते हम उनका विरोध नहीं करते हम गंभीर नहीं रहते हम उनको ऐसा दिखाते कि आप जैसे वैसे ही हमें और अंदर से राधा राधा नाम लेकर अपने को बचा लेते क्या समस्या है इसमें कोई समस्या लग रही हाँ पहले गलती थी अज्ञान में अब आप चतुर बन कर समाज में रहिए कि आपको कोई गलती ना करा पावे और गलतियों के बीच में आप रहिए तभी तो बहादुर हो गए सच्ची बात कहते हैं गुफा में भाग के चाहे कोई कितना चला जाए पक्का तभी माना जाएगा जब संसार में आकर के त्रुटि ना हो गुफा में तो एकांत में सबको जब संसार में आओगे समाज में फिर फिसल गए तो गुफा का अभ्यास बेकार हो गया और अगर गृहस्थी में हो संसार में हो और यहां संभल गए तो गुफा में तो संभले समलाए हो फिर क्या उसमें पर राष्ट्र सेवा में हो तो इसलिए अभी सावधान चलो राधा राधा राधा, राधा। जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझकर आगे बढ़ो इसमें इस चिंतन से परेशानी आ जाएगी ऐसा चिंतन इसीलिए हम कहते सत्संग सबके लिए होता है जैसे मेडिकल स्टोर है औषधि ही औषधि है लेकिन आप जो चाहो औषधि ले लो तो उसमें हो सकता है कि आप और परेशान हो जाओ मर भी जाओ डॉक्टर के अनुसार औषधि उसी मेडिकल स्टोर में ऐसे ही शास्त्र पूरा मेडिकल स्टोर है सिद्धांत सत्संग पूरा मेडिकल स्टोर है लेकिन हमको पर्सनल बीमारी में कौन सी दवा चाहिए ये डायरेक्ट पूछना चाहिए वैद्य से डॉक्टर से ऐसे सदगुरु से ऐसे संत से तो जो हम आपके लिए दे रहे हैं ये सार्वजनिक सबके लिए नहीं दे रहे ये आपके लिए दे रहे जो सार्वजनिक है वो आपके लिए नहीं है क्योंकि आपका एक विशेष पद है सैनिक पद हुए समझ गए इसमें कोई जी हमें कब लाडली जी का सेवा करने का मौका मिलेगा हम भी सुबह शाम कीर्तन करना चाहते हैं मतलब हमारी जो भी सैनिक बैठे हैं इनकी मतलब हमें एक बात बताओ क्या भारत माता मेरी लाडली देखो दो रखोगे तो फिर परेशानी आ जाएगी फिर रुचि नहीं रह जाएगी फिर आपको ये लगेगा कि ये सेवा छूटे और मैं भी सुबह शाम मंदिर लेकर ऐसा लगे ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं ये हमारे लिए है। हम एक राष्ट्र के खंभे हैं सब अलग अलग जगह लगे हुए हैं उसी से हमारा राष्ट्र है हम कहीं तपस्या के द्वारा कीर्तन के द्वारा संभाल रहे हैं तो कहीं आप व्यायाम नाना प्रकार की क्रियाओं से शरीर को पुष्ट करके और राष्ट्र सेवा में लगे आप उसको गौड़ मत समझिए आप इसको हमारे कर्तव्य को आप देख रहे हैं लेकिन आप अपने कर्तव्य को नहीं देख रहे हम एक ही पिता के पुत्र हैं हमें अलग अलग सेवा मिली हमारी ये सेवा है आपकी ये सेवा है और जब हम दोनों अपनी अपनी सेवाओं को करके पिता के सामने खड़े होंगे वो दोनों को गले लगाएगा आप सच्ची मानिए इसमें ऐसा नहीं है भगवान ने इसीलिए अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश दिया है ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सन्न मत पर नोन मामे जो तुम कर्म कर रहे हो वो सर्वाणी वो सब मेरे को अर्पित कर दो ये तो सर्वाणी कर्माणी मई मत मतपरा हे प्रभु आपने मुझे राष्ट्र सेवा में सैनिक पद दिया है इसलिए जितना बनता है हम आपका स्मरण करते हैं जितनी सावधानी से हमें जीना है उतना जी रहे पर ये सारी सेवा आपके लिए है आप ही हमारे राष्ट्र हो आप ही हमारी वीरता हो नाथ आप देख लीजिएगा निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी निश्चित भगवत प्राप्ति इसलिए कठिन मानी जाती है कि हम लोग सही रास्ते पे नहीं चलते जैसे हमको बिहारी जी जाना है इधर है और हम छठी कला की तरफ दौड़ लगा दें तो हम दूरी बना रहे हैं ना नजदीक तो नहीं हो रहे ऐसे ही यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और उसको त्याग कर हम सोचते हैं कि इस मार्ग से भगवान मिल जाएंगे तो पक्का समझ लो वो ऐसे ही दूरी बनती चली जाएगी जैसे बिहारी जी जा रहा है और छठी कला की तरफ दौड़ पड़े आपका कर्तव्य आपके लिए पूजा है नाम जपने के लिए कहीं कोई बाधा नहीं हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण अंदर से नाम जप अब मान सुबह आपको कोई आदेश हो गया अब आप सोचो कि मैं ना धोकर के माला लेकर रोज करती नहीं आपका ये नियम नहीं आप बंदूक उठाइए आप अपने कार्य में जाइए राधा 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 और अपने सूरवीर की तरह अपने कर्तव्य का पालन ये बाद में सोचना मंजीरा बजाना कीर्तन करना माला चलाना नाम जप आदि का ये जो बाहरी स्वरूप है ये बाद में सोचना अभी आपका स्वरूप है कि आपके हृदय में तेज हो और दिमाग में शत्रु पक्ष को परास्त करने के विचार हो और नाम जब चल रहा है हाथ में अस्त्र है कदम कदम पर हम अपने कर्तव्य के लिए प्राण न कर रहे हैं ये तप नहीं तो और क्या है। आप समझिएगा ये तप है ऐसा थोड़ी होता कि किसी भी कर्तव्य कर्म को आराम से किया जाता हो कर्तव्य कर्म कभी सुखपूर्वक होता ही नहीं कर्तव्य कर्म कष्ट पूर्वक किया जाता है हर कष्ट सह करके तो ये हमारी पूजा है ये आपकी पूजा है बराबर दोनों को फल मिलेगा इस बात को समझ लीजिए हाँ आपका कर्तव्य हम नहीं कर सकते हमारा कर्तव्य आप नहीं कर सकते आप अपने कर्तव्य पे रहते हुए राधा राधा बोले हम अपने कर्तव्य पे रहते हुए राधा राधा दोनों को फल बराबर मिलेगा इस बात पर विस्तार और कोई संशय इन राज सैनिकों को कुछ प्रसादी वस्त्र दीजिए श्री जी का सब सबको जो जो भी हो सबको दे और ये जो सखिया है ना इनको भी प्रसाद दे दीजिए सबको सबको प्रसादी दे दो ये जब गिरिराज जी के आते हैं जन तो ये प्रसादी लाते हैं गिरिराज जी की और ये तो बाहरी प्रसाद है हृदय से आपका स्वागत करते हैं हृदय से हाँ, हाँ आपको प्यार करते हैं। हाँ